मेरा नाम डॉक्टर अरशद जावेद है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में प्रोफेसर ऑफ पल्मोनोलॉजी रहा हूँ, डीन पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट और वाइस चांसलर खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी रह चुका हूँ। चूँकि मेरा ताल्लुक पल्मोनोलॉजी यानी सीने के अमराज से है, तो मैं आज आपके सामने ऑक्सीजन के हवाले से कुछ बात करूंगा। हवा जिसे हम एयर भी कहते हैं, ये एक मिक्सचर है मुख्तलिफ गैसेस का, जिसमें मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। नाइट्रोजन तकरीबन 78% और ऑक्सीजन तकरीबन 21% होती है। और ये ऑक्सीजन जो हम सांस के ज़रिए सीने में जाती है, ये ज़िंदगी के लिए एसेंशियल और इम्पॉर्टेंट है, और बग़ैर ऑक्सीजन के ज़िंदगी मुमकिन नहीं। बाज़ मरीज़ जो कि सांस की बीमारियों में मुब्तला होते हैं, वो ऑक्सीजन अपने लंग्स में सही तरीके से नहीं इन्हेल कर पाते, या उनके जो फेफड़े हैं उनमें ऐसी बीमारी होती है जिसके ज़रिए जो ऑक्सीजन उन्होंने इन्हेल की होती है वो खून तक नहीं पहुंच पाती। तो इस तरह से उनके जिस्म में ऑक्सीजन की कमी लाहक होती है, जिससे उनकी तबीयत और भी ख़राब हो जाती है। तो ऐसे लोगों को ऑक्सीजन एक दवा की सूरत में हम देते हैं। तो ऑक्सीजन भी एक इंतहाई अहम दवाई है उन मरीज़ों के लिए जिनमें ऑक्सीजन कम हो। मोस्ट कॉमनली तो फेफड़ों की बीमारियां जैसे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जो कि उन लोगों में लाहक होती है जो सिगरेट नोशी करते हैं अक्सर, और वक्त के साथ साथ उनके फेफड़े कमज़ोर होना शुरू होते हैं और उनमें ऑक्सीजन की कमी से मुख्तलिफ और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। फिर दमे के अमराज, अस्थमा, उनको भी एक्यूट अटैक के दौरान ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। हार्ट फेलियर, दिल के मरीज़ जिनका दिल का जो पंप है वो कमज़ोर हो जाए, तो उसमें भी ऑक्सीजन की कमी आती है, तो उनको वो भी ऑक्सीजन मुख्तलिफ और दवाइयों के साथ साथ ऑक्सीजन भी उन्हें दी जाती है। इस तरह निमोनिया के मरीज़, या फिर एक ऐसी बीमारी जिसे हम इंटरस्टिशियल लंग डिज़ीज़ कहते हैं, जिसमें फेफड़ों का जो पैरेन्कमा है वो डिस्टर्ब हो जाता है, फाइब्रोज़ हो जाता है, और उस इन मरीज़ों में ऑक्सीजन तो वो इनहेल कर लेते हैं लेकिन फेफड़ों से खून तक ऑक्सीजन मुंतकिल नहीं हो पाता, तो उस वजह से उनके खून में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। तो ये मुख्तलिफ बीमारियां हैं जिसमें मरीज़ों में ऑक्सीजन की कमी आती है। ऑक्सीजन कैसे मालूम करते हैं कि एक मरीज़ है उसके ऑक्सीजन कम है? कॉमनली दो तरीके हम करते हैं। एक तो आसान तरीका है जिसे पल्स ऑक्सीमेट्री कहते हैं, उंगली पे एक आला लगाया जाता है जो आपको ऑक्सीजन सेचुरेशन बताता है कि खून में ऑक्सीजन सेचुरेशन की क्या परसेंटेज है। नॉर्मली तो 92% से अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन ज़्यादा हो तो हमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं पेश आती, लेकिन अगर 92 और 90% से किसी मरीज़ का ऑक्सीजन कम हो तो इन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा जो इससे मोर इफ़ेक्टिव मेथड है, उसे ब्लड गैसेस कहते हैं। वो खून का नमूना लिया जाता है, आर्टेरियल ब्लड का, और उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर मालूम किया जाता है। नॉर्मल ऑक्सीजन का प्रेशर 75 मिलीमीटर मर्करी से 100 मिलीमीटर मर्करी तक होता है,
अगर किसी मरीज को किसी बीमारी की वजह से ऑक्सीजन 60 मिलीमीटर मर्करी से कम हो और मुसलसल इस तरह कम रहे तो उनको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देने से इन मरीज़ों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट आती है, उनके सांस की जो शिद्दत होती है वो भी, सांस लेने में जो तकलीफ़ की शिद्दत है वो भी कम होती है, और लाइफ भी प्रोलॉन्ग होती है। अब हम इन मरीज़ों को ऑक्सीजन देते कैसे हैं, किस ज़रिए से, वो भी मैं आपको बताता चलूं। ऑक्सीजन या तो ऑक्सीजन टैंक्स या जो सिलेंडर आप लोग ने देखे होंगे उसके ज़रिए से दी जाती है। इन टैंक्स में ऑक्सीजन को कंप्रेस्ड किया जाता है और फिर और एक उसमें गैस के सिलेंडर होते हैं, एक लिक्विड ऑक्सीजन भी मुहैया होती है जो कि बहुत ज़्यादा कंप्रेस होती है और एक छोटे सिलेंडर में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन समा सकती है और बहुत देर तक काम कर सकती है। और इसके अलावा एक और ज़रिया है जिसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कहते हैं, वो एक मशीन होती है जो बिजली से काम करती है और वो हवा से ऑक्सीजन को निकाल के वो आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। तो चूंकि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बिजली से काम करता है तो इसके लिए ज़रूरी है कि बिजली रेगुलर हो घर में या उसके साथ कोई जनरेटर या यूपीएस का सिस्टम हो, लेकिन उसमें चूंकि बार बार सिलेंडर की तरह उसे रीफिल नहीं किया जाता तो वो मरीज़ जिन्हें मुसलसल ऑक्सीजन की अगर ज़रूरत पड़े, जैसे सीओपीडी के मरीज़ हों, तो उन्हें हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तजवीज़ करते हैं। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से या सिलेंडर से एक ट्यूब के ज़रिए फिर हम या तो नेज़ल कैनुले के ज़रिए देते हैं मरीज़ों को ऑक्सीजन, या फिर मास्क के ज़रिए से दी जाती है, और बच्चों में तो इनक्यूबेटर, आपने देखा होगा कि इनक्यूबेटर के ज़रिए से उन्हें दी जाती है। इंसान के जिस्म में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो सांस में तकलीफ़, सांस तेज़ी से आना, नब्ज़ तेज़ हो जाती है और दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, मरीज़ इरिटेबल होता है, कन्फ्यूजन, मरीज़ कन्फ्यूज़ भी हो जाता है अगर ऑक्सीजन कम रहे। और जिन लोगों को ऑक्सीजन मुस्तकिल कम रहती है तो वो फैटीग, टायर्डनेस और नींद में भी उनका मसला होता है, और एक्टिव वो नहीं रहते, फिरने में उन्हें मुश्किल होती है, तो लाइफ कंप्रोमाइज़ हो जाती है। हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर स्पेशली और लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी हम कहते हैं, वो हम उन मरीज़ों को देते हैं जिनमें मुसलसल और मुस्तकिल तौर पे ऑक्सीजन की कमी हो। वैसी तो बहुत सी बीमारी आपने इंटेंसिव केयर में, आईसीयूज में देखा होगा कि किसी को सीवियर निमोनिया हो जाए या किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो उनको ऑक्सीजन लगाई जाती है जब तक वो बीमार होते हैं, बीमारी की शिद्दत में के वक्त, लेकिन जब वो ठीक हो जाते हैं तो उनका फेफड़ा वापस काम करने लगता है तो उन्हें फिर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें लाइफ लॉन्ग ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिसमें मैंने कहा कि जैसे सीओपीडी हो गया या कोई काइफोस्कोलियोसिस जो कि स्केलेटल प्रॉब्लम होते हैं, उसमें ऑक्सीजन कम मुहैया होती है जिस्म को, तो उसमें लॉन्ग टर्म जब ऑक्सीजन हम देते हैं तो उस में कम से कम ऑक्सीजन जो है वो 15 घंटे के लिए मरीज़ को देनी चाहिए। अगर उससे कम हो तो फिर वो फ़ायदा नहीं होता जो हम चाहते हैं कि हो।
ये तहकीक के ज़रिए से भी मालूम हुआ है, और इसी वजह से लॉन्ग टर्म थेरेपी जो है ये एक इस्टेब्लिश तरीका इलाज है, जिसमें अगर आप मरीज़ को 24 घंटे में कम से कम 15 घंटे ऑक्सीजन रेगुलर दें सारी उम्र, तो न सिर्फ उसके कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी, उनके सांस में जो है वो बेहतर होगी, उनकी एक्टिविटी लेवल बढ़ेगी और लाइफ भी उसमें प्रोलॉन्ग होगी। तो ऑक्सीजन थेरेपी एक इंतहाई अहम थेरेपी है उन लोगों के लिए जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत हो। बहुत बहुत शुक्रिया।